शिवसेना विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने बाला साहब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जो निशान मशाल के तौर पर दिया है, उसी मशाल को लेकर आज उद्देश पाटेकर के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 4 में जन जागृति की गई। इस दौरान उद्देश पाटेकर सहित तमाम शिवसैनिकों ने मशाल को लेकर पूरे वार्ड में भ्रमण किए, लोगों को बताया कि हमारी चुनाव निशानी फिलहाल मशाल है। लेकिन इस बीच उद्देश पाटेकर ने यह भी बताया कि जिस तरह से विरोधी मशाल में पानी डालने की बात कर रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उद्देश पाटेकर की शिवसेना पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यह बात नई नहीं है कि जब शिवसेना को मशाल की चुनाव निशानी दी गई है, इसके पहले भी शिवसेना को मशाल के तौर पर चुनाव निशानी दी गई थी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। इसी जीत के साथ एक बार फिर से शिवसेना बाला साहब उद्धव ठाकरे की हौसले बुलंद है और इसी हौसले के दम पर मुंबई अंधेरी उपचुनाव में विजय हासिल करने की भी बात कही जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अरे मुंबई आमच्या साहेबांचे, अरे मुंबई आमच्या साहेबांचे, कुणाच्या बापाची, अरे गजाराम मशाल यात्रा। जो हमारे उद्धव साहब ने बोला है कि जो लोगों तक अपनी निशानी पहुंचनी चाहिए, और ये मशाल से हम लोग क्या करने वाले हैं। जो विरोधक बोल रहे हैं हम मशाल को पानी डालेंगे, बुझाएंगे, आप खाली आओ मशाल में पानी डालने भी क्या भड़काव होता है और आपको कैसे जलाते हैं। लोगों आपके लिए राह ही देख रही है, इलेक्शन कभी होते, और ये जो विरोधक ने जो धोखा दिया है उद्धव साहब को कि उनके पीछे खंजीर जो घुसाया है, उनका बदला लेने के लिए पूरे मतदाता तैयार है। आप खाली आयो, जो उद्धव साहब बोलते आओ मैदान में, हम तैयार है करके, पर उनमें दम नहीं है आने के लिए अभी भी। इसलिए हम लोग आज मशाल रैली के माध्यम से ये रैली निकाली है कि वो देख के तो भी आए या छुप जाएंगे। आपने देखा रहेगा ये जो रैली में आए हुए अपने जो शिवसैनिक हैं मतदाता, आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं। यही जो उद्धव साहब जो लोगों के मन मन में बसे हैं, उनसे ही उनको घबराहट हुई है। और ये हम लोग आज ये महानगर पालिका हो या विधानसभा हो, अंधेरी की पोट निवडणूक जो चल रही है उसमें हम लोग चुन के आके ही बताएंगे। और जो विरोधक खड़े हैं
उनका डिपॉजिट जब्त कैसा होगा ये पूरा हम प्रयत्न करेंगे। ऐसा निवारण आयोग ने जो टेम्पररी निशानी दी है मशाल, और भविष्य में हमें यकीन है कि धनुष बाण भी हमारी परमानेंट निशान हो जाएगी, और अगर हो गई मशाल हमारी परमानेंट निशान तो भी यहाँ लेके चलेंगे। वो अभी डर गए, कुछ ना किस बहाने किसको ना किसको बीच में डाल के बोल रहे के निवडणूक रद्द होना चाहिए, और हम लोग ने अनपो चुन के दिया राज ठाकरे बोले करके, ऐसा भी हो सकता है। आज हमें तो बहुत खुशी लग रही है, सारे हमारे कार्यकर्ता जो है इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारी जो निशानी अभी मुंबई में हो, महाराष्ट्र में जो भी है, कहीं भी इलेक्शन हो या पार्टी का जो भी सिंबल होता है, वो अभी हमें निवडणूक आयोग की तरफ से मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है, तो लोगों में एक प्रकार का हमारे सब कार्यकर्ता में उत्साह आ गया है कि मतलब अभी इलेक्शन भी नज़दीक आने वाले है और लोगों को हमारी जो निशानी है वो हर घर पहुंचनी चाहिए, इसके लिए हम लोग ये जन जागरण मशाल यात्रा निकाली है। क्या किसी ने ऐसा भी कहा कि इस बार से इजी जो है समझना मशाल को है? मुझे ऐसा खुद को नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सालों से मतलब 3 दशक से हमारा धनुष बाण चुनाव चिन्ह था, लेकिन उसके पहले भी जो हमारे एक्स मेयर छगन भुजबल साहब वो पहले बार जो चुनाव लड़े वो मशाल चुनाव चिन्ह था, तो ये चुनाव चिन्ह भी शिवसेना के लिए नया नहीं है।